आज हम शिवांगी से लेंगे, उसके बाद रचना जी आज एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड देंगी, आशीष बहेती से लेंगे चार्ट का चमत्कार, और सनी अग्रवाल से लेंगे मिड कैप पंडाप्पा। सनी जी गुड मॉर्निंग आपको भी शो में। चलिए फिर शिवांगी, अगर आपका ट्रेड रेडी है, सस्ता ऑप्शन। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने HAL ही चुना है। यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है एंड जिस तरह से स्ट्रॉन्ग फॉलो अप बाइंग है, ये स्टॉक जो है अब आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि मे के एक्सपायरी के लिए, 30 मई के एक्सपायरी के लिए 4000 के एक कॉल ऑप्शन को देखें, इसमें काफ़ी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी है, वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर, तो इसको ख़रीदारी करें। 180 के स्टॉप लॉस और यहाँ पर 220 के टारगेट्स के लिए इसको खरीद सकते हैं। ओके, तो HAL का ऑप्शन 4000 की कॉल ऑप्शन आप मई के लिए यहाँ पर। रचना जी आपका FNO सुपरस्टार। जी, मेरी तरफ से जो FNO सुपरस्टार रहेगा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा। रिलायंस ने एक इम्पोर्टेंट वीकली सपोर्ट से आज अपमूव शुरू करा है और यहाँ पे स्विंग सपोर्ट भी बन रहा है, पास्ट में यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे 2910 का अगर SL लगाया जाए मे फ्यूचर्स पे और अगर इसको लॉन्ग करा जाए 10 रुपए के SL के साथ, 10-11 रुपए, तो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे 2940 एंड 2950 के टारगेट्स हम लगा सकते हैं मे फ्यूचर्स पे। चलिए, तो ये आपका ट्रेड हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, इट्स अ बाय कॉल रिलायंस। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। ये सेगमेंट पर दी गई कॉल है, बट एक अनुरोध है आपसे, प्लीज़ इस ट्रेड के पीछे या फिर किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट सोच के पीछे एक निजी राय जरूर इंक्लूड करें। चार के चमत्कार पिक करते हैं आशीष बहेती जी के साथ। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं जी? वीरेन जी, ग्रासिम काफी अच्छा लग रहा है सीमेंट स्पेस में, आज वापस बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा सा देखने मिल रहा है। अल्ट्राटेक और ग्रासिम में दोनों में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। कल थोड़ा सा एक पॉज डे था, बट अगर आप ओवरऑल वीकली चार्ट देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा सेटअप बन रहा है इसमें, तो खरीदारी की सलाह है। 2320 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है 2420 के फर्स्ट टारगेट के लिए। ओके, ग्रासिम ये भी इजेक्ट करता हुआ लोअर लेवल से 2363 पे दिया है पर। सनी जी गुड मॉर्निंग, आपका आज का मिड कैप फंडा। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आज का मेरा पिक रहेगा जिंदल सॉ लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 538 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 650 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6-12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग एलसॉ एचसॉ पाइप बनाने वाली कंपनी है, प्रीडोमिनेंटली वाटर और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। अगर हम क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो वहां हमने देखा था कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है तकरीबन $1.5 बिलियन की ऑर्डर बुक है, जो कि 3 क्वार्टर के एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देती है। मुझे लगता है कि इसी के चलते जो मार्च क्वार्टर के नंबर आएंगे काफी अच्छे नंबर आएंगे। ईबिटा मार्जिन भी तकरीबन 16-18% के आसपास सस्टेन होने की उम्मीद करता हूँ मैं। सालाना कंपनी पोटेंशियल रखती है 1800 करोड़ का पैड बनाने की और आज के डेट में मार्केट कैप है तकरीबन 17-18 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, तो मुझे लगता है कि क्लोज टू 9x-10x प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है कंपनी। जो रीरेटिंग इसमें एक जो हुआ था पिछले कुछ महीनों में, मुझे लगता है कि दैट विल कंटिन्यू एंड इसी के चलते मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जिंदल सॉ ऐड करना चाहिए। ओके, चलिए चारों के चारों ट्रेड सब आपके लिए रिकैप करते हैं एक बार। शिवांगी ने सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कॉल ऑप्शन लिया, यहाँ पर मई की 4000 की कॉल, 180 के स्टॉप लॉस, 220 के टारगेट, काफ़ी करीब ऑलरेडी टारगेट के बढ़ती हुई ये कॉल। रचना जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दाव लगाया है 2910 के स्टॉप, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ये या फिर कुछ ये गलत है, ये एक्चुअली मई के फ्यूचर्स की बात हो रही है और ये दिखा अप्रैल का रेट रहा है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ग्रासिम ये आशीष बहेती की पिक है, 2320 के स्टॉप लॉस हैं, 2420 के यहाँ पर टारगेट रहेंगे, और सनी जी ने पिक किया जिंदल सॉ यहाँ पर। मीनवाइल एक बार आप देखिए